नमस्ते भाइयों, एंड्रॉइड बड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मोटो G54 का। ये फोन काफी अफोर्डेबल प्राइस में काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, जहाँ पे अंडर 15,000 रुपीज में आप लोगों को रियलमी 11X जैसे फोन में EIS का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिल रहा है, वहां पे ये मोटो G54 में आप लोगों को देखने को मिलता है OIS प्लस EIS का सपोर्ट। साथ में यहाँ पे आप लोगों को 8GB का बेस वेरिएंट देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, एक है 8GB 128GB, दूसरा है 12GB 256GB स्टोरेज। अंडर 20,000 रुपीज के अंदर 12GB रैम, वो भी मोटोरोला जैसे रेनोन ब्रांड की तरफ से, बहुत ही अमेजिंग बात है। जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस रखा गया है 15,999 रुपीज, लेकिन उसके ऊपर में आप लोगों को 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 12GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है 17,999 रुपीज, और वहां पे भी आप लोगों को 1,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट इस फोन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या है फोन, कैसा है ओवरऑल फीचर्स, साथ ही में कैसे ये कंपेयर करता है दूसरे इसी रेंज के स्मार्टफोन्स के साथ में। तो चलिए सादे ही करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाइयों, यहाँ पे मोटोरोला का G54 आया है फ्लिपकार्ट के बॉक्स के अंदर में। तो मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, दो दिन के अंदर डिलीवर हो गया है। फ्लिपकार्ट का ओपन बॉक्स डिलीवरी था, तो उन्होंने ओपन करके गए हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये है मोटोरोला G54 का बॉक्स। G54 5G लिखा गया है यहाँ पे, साइड में कुछ डिटेल्स मेंशन है। पीछे में देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स एट फुल स्पीड करके लिखा गया है। एडवांस 50 MP कैमरा विथ वॉइस लिखा गया है, साथ ही में 6000 mAh का बैटरी विथ 30W का टर्बो चार्जिंग लिखा गया है। साइड में मोटोरोला लिखा गया है। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर से क्या निकलता है। तो ओपन करने से ही फर्स्ट में हमें देखने को मिलता है मोटोरोला का G54 5G, और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में एक रैप टाइप का दिया गया है, और फोन कवर के साथ ही आया है। बॉक्स के अंदर में कवर के साथ ही यहाँ पे रखा जाता है मोटोरोला का फोन। चलिए फोन को बूट करके साइड में छोड़ते हैं और बॉक्स के अंदर फर्दर कंटेंट्स को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे ओपन करने से देखने को मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे पावर अडैप्टर आप लोगों को बॉक्स के अंदर ही मिलता है, और देख सकते हैं यहाँ पे 33W का पावर अडैप्टर दिया गया है, हालांकि फोन 30W का सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को देखने को मिलता है एक USB A to USB C केबल, और अडैप्टर भी जो है वो भी USB A to USB C टाइप का अडैप्टर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए इन सब चीज़ों को साइड में हम लोग हटाते हैं और फोन को देख लेते हैं कैसा है। तो ये रहा हमारा फोन, मैंने फोन को ऑलरेडी बूट करके सेटअप करके रखा था। तो देख सकते हैं ये है मोटोरोला G54। चलिए इसको कवर से निकालते हैं और फोन को देखते हैं पहले कैसा है। तो देख सकते हैं ये है मोटोरोला G54 का बैक। यहाँ पे देख सकते हैं मैट फिनिश के साथ बैक आया है, और यहाँ पे मेरे पास जो कलर है वो ब्लैक कलर में है। हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे लाइट पड़ने पे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का कलर लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में है ब्लैक कलर का। पीछे में देख सकते हैं डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। कैमरा सेटअप थोड़ा हल्का सा ग्लॉसी है, लेकिन ये भी मैट फिनिश के साथ आता है। और पीछे का जो बैक है ये प्लास्टिक बैक है, सॉफ्ट टच फिनिश के साथ आता है, हाथ में होल्ड करने पे सॉफ्ट लगता है, और ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लास्टिक बैक होने के बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम टाइप का लुक मुझे आ रहा है। देख सकते हैं साइड से कुछ इस तरह का दिखता है, साइड से थोड़ा सा फ्लैट है, पूरा फ्लैट नहीं है, यहाँ पे हल्का सा कर्व भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए एक फिजिकल ओवरव्यू पहले आप लोगों को दे देते हैं। लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ सिम ट्रे देखने को मिलता है, और इस सिम ट्रे के अंदर देखते हैं कितने सिम स्लॉट्स है। यहाँ पर देखते हैं एक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है आप लोगों को, ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट नहीं है। टॉप में देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन माइक है, साथ ही में डॉल्बी एटमोस का यहाँ पे ब्रांडिंग है, क्योंकि इस फोन में आप लोगों को डॉल्बी एटमोस देखने को मिलता है। राइट साइड में यहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम बटन देखने को मिलते हैं, साथ ही में पावर बटन भी है, और ये पावर बटन एज ए फिंगरप्रिंट सेंसर का काम भी करता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है टाइप सी का पोर्ट, प्राइमरी स्पीकर, प्राइमरी माइक और 3.5 mm हेडफोन जैक। फोन काफ़ी स्लिम है, इसके बावजूद कि यहाँ पे 6000 mAh का बैटरी आप लोगों को देखने को मिलता है, और फोन का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो थोड़ा सा कम है, कम साइड में है, इसलिए यहाँ पे फोन हाथ में होल्ड करने में काफ़ी अच्छा लगता है, एक कॉम्पैक्ट सा फील लगता है। फ्रंट साइड में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है 6.5 इंच का एक डिस्प्ले, जो कि IPS LCD डिस्प्ले है, और यहाँ पे 120Hz का रिफ्रेश रेट यूज किया गया है इस फोन के अंदर में। पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप है, और जिसका मेन सेंसर है 50 MP का, साथ ही में यहाँ पे OIS सपोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिलता है। और दूसरा जो कैमरा है वो 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, जो कि ऑटोफोकस के साथ आता है और मैक्रो कैमरे को भी सपोर्ट करता है।
फ्रंट पे देखेंगे तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आप लोगों को मिलता है यहाँ पंच होल के अंदर। फोन के जो बेजल्स है, नीचे का चिन देख सकते हैं, काफी रिस्पेक्टेबल है, बहुत ज्यादा बड़ा चिन नहीं है, तो ओवरऑल फोन का लुक फ्रंट से भी काफी प्रीमियम आता है निकल के। अभी फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे तो अराउंड स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 उससे थोड़ा सा स्लाइट बेटर है, तो उस हिसाब से आप लोग इसको सोच सकते हैं। एंटीटू स्कोर के बारे में बात करें तो अराउंड 4,60,000 का स्कोर आता है यहाँ पे। साथ ही में यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है, मेरे पास बेस वेरिएंट है 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आता है, और बेस वेरिएंट का प्राइस जो है 15,999 है, लेकिन उसके ऊपर 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला मुझे, तो यहाँ पे ओवरऑल फोन का जो प्राइस है वो है 15,000 रुपीज। साथ ही में इस फोन के अंदर जो बैटरी मिलता है वो है 6000 mAh का बैटरी, जो काफी बड़ी बैटरी है। साथ ही में 30 वाट का यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिलता है। देखते हैं फोन बूट हो चुका है, और बूट होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं ये एंटीटू वाला एप्स तो मैंने इंस्टॉल किया है, लेकिन कुछ और एप्स भी है यहाँ पे, जैसे ब्रेन टेस्ट, कैरम डिस्क, ये सब भी यहाँ पे प्री इंस्टॉल दिए गए। हालांकि बहुत सारे प्री इंस्टॉल ऐप तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लोटवेयर्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ब्लोटवेयर्स यहाँ पे प्री इंस्टॉल मिलते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 के साथ आता है। ये एक 5G फोन है, और यहाँ पे 14 5G बैंड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि जितने भी 5G बैंड्स इंडिया में सपोर्टेड है सब बैंड्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को मैंने सेटअप कर लिया था, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं कैसा है। देखते हैं, काफ़ी फास्ट है, बहुत ही जल्दी अनलॉक कर दे रहा है, और फोन ओवरऑल स्मूथ है, जैसे कि देख सकते हैं लैग स्टटर्स यहाँ पे नहीं दिख रहे। 120Hz का रिफ्रेश रेट है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे थोड़ा फास्ट स्क्रॉलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए एक वीडियो प्ले करते हैं यहाँ पे, और डिस्प्ले क्वालिटी को देखते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले का कलर्स जो है, कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, देख सकते हैं कलर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। तो चलिए एक वीडियो प्ले करके देखते हैं कि ओवरऑल कलर्स कैसे निकल के आते हैं। देख सकते हैं फ़ोन जो है HDR को सपोर्ट करता है, और मैक्सिमम 4K HDR तक आप लोग वीडियो प्ले कर सकते हैं। हालांकि अभी 720p में आप लोग करेंगे यहाँ पे वीडियो प्लेबैक। डिस्प्ले के कलर्स देख सकते हैं, काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स है। और HDR वीडियो सपोर्ट होने के कारण देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। व्यूइंग एंगल भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे व्यूइंग एंगल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डिफरेंट एंगल से भी डिस्प्ले देखने में बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लगता है। इस फोन में आप लोगों को वाइड बैंड L1 का सपोर्ट भी मिलता है, तो यहाँ पे अगर आप लोग OTT में फुल HD कंटेंट वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। चलिए एक ऑडियो प्ले करके यहाँ पे हम लोग इसका ऑडियो टेस्ट सुन लेते हैं, ऑडियो क्वालिटी ओवरऑल कैसा मिलेगा आप लोगों को। इसका ऑडियो क्वालिटी भी आप लोगों ने सुना, काफ़ी अच्छा ऑडियो क्वालिटी है। हालांकि सिंगल स्पीकर है, लेकिन उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छा ऑडियो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। अभी बात करें फाइनली इसके कैमरे क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें से आप लोग काफ़ी अच्छे फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं, डे लाइट में डिटेल्स काफ़ी अच्छे कैप्चर हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा कभी कभी ओवर शार्पन टाइप का फोटो लगता है, मैंने कुछ फोटोज़ कैप्चर किए, ये फोटोज़ आप लोग देख सकते हैं और खुद अपने हिसाब से जज कर सकते हैं फोटो क्वालिटी ओवरऑल कैसा लग रहा है। पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैप्चर कर सकते हैं आप लोग, काफी अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर होता है। हालांकि एज डिटेक्शन में कभी कभी फेल हो जाता है, मतलब प्रॉपरली एज डिटेक्शन नहीं हो पाता है, तो वहां पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जगह है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे से भी फोटोज अच्छे आते हैं, हल्का सा वीडियो इफेक्ट अप्लाई हो जाता है, लेकिन फोटो में कहीं ना कहीं डिटेल्स उतना अच्छा नहीं मिलता है। और यहाँ पे एक चीज मुझे काफी अजीब लगा, यहाँ पे जो कैमरा ऐप है इसके अंदर में अगर आप लोग फोटो कैप्चर करने जाएंगे तो 50 मेगापिक्सल का मोड जो है
यहाँ पे कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। जो नॉर्मल फोटोज आता है वो यहाँ पे 12.5 मेगापिक्सल पे फोटो आता है। चलिए मैं कैप्चर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखते हैं यहाँ पे 12.6 एमपी पे फोटो कैप्चर हुआ है, और फ्रंट कैमरे में अगर आप लोग देखेंगे तो फ्रंट कैमरे में 4 मेगापिक्सल का फोटो कैप्चर होता है। लेकिन अगर आप लोग फ्रंट कैमरे से 16 मेगापिक्सल का फोटो और रियर कैमरे से 15 मेगापिक्सल का फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर में। सेटिंग्स के अंदर आप लोगों को फोटोज़ के अंदर जाना है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है हाई रेजोल्यूशन। फ्रंट में भी आप लोगों को हाई रेजोल्यूशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप लोग फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 50.3 मेगापिक्सल शो हो रहा है, और सेम वे में फ्रंट में भी आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का शो हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे मेनू के अंदर ही होना चाहिए था कि बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग 12.5 पे कैप्चर कर रहे हैं। अगर आप चाहते तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं, और फ्रंट से वैसे ही आप लोग 4 मेगापिक्सल फोटो कैप्चर हो रहा है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल पे भी आप लोग फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड जो कैमरा है डिसेंट कैमरा है, उतना कुछ खास नहीं है। जो फोटोज़ आते हैं वहाँ पे डिटेल्स थोड़े कम लगे मुझे, और इससे मैक्रो मोड में भी फोटो कैप्चर कर सकते हैं बहुत ही क्लोज जाके। नॉर्मल 2 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरे से बेटर है, लेकिन बहुत अच्छा फोटोज़ भी आप लोग एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि रेजोल्यूशन यहाँ पे भी 8 मेगापिक्सल का है। तो उस हिसाब से भी आप लोग सोच सकते हैं डिसेंट फोटोज़ आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि इस रेंज में बहुत सारे फोन्स में आप लोग अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को नहीं मिलता है, तो उस केस में यहाँ पे बेटर ऑप्शंस मिल रहा है। और यहाँ पे OIS आप लोगों को मिलता है। जनरली दूसरे इस रेंज के फोन्स के अंदर आप लोगों को EIS भी देखने को नहीं मिलता है। Redmi 12 में आप लोगों को देखा था EIS सपोर्ट नहीं है, Realme 11X 5G के अंदर EIS नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को OIS प्लस EIS सपोर्ट देखने को मिलता है। और वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, जैसे देख सकते हैं नॉर्मली 1080p 60fps तक आप लोग वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, वो भी OIS प्लस EIS के साथ में। और देख सकते हैं वीडियो में काफ़ी स्टेबल फुटेज आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। और हाँ, OIS यहाँ पे काम करता है वीडियो के अंदर में भी। मैंने एक वीडियो कैप्चर किया था जहाँ पे मैंने स्टेबिलाइजेशन को ऑफ कर दिया था, मतलब EIS को ऑफ कर दिया था, OIS को ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो वहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कैप्चर हुआ है। तो ओवरऑल ये था मोटो जी 54 5G। अभी इसको चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ पे मेरे पास रियलमी का 11X भी है जो कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप लोगों को अराउंड 15,000 रुपीज़ का प्राइस टैग देखने को मिलता है। जो 6GB वेरिएंट है, यहाँ पे दो वेरिएंट मिलता है। 6GB वेरिएंट का प्राइस है 14,000 रुपीज़ विद डिस्काउंट, और जो 8GB वाला वेरिएंट है वहाँ पे 15,000 रुपीज़ विद डिस्काउंट यहाँ पे प्राइस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो प्राइसिंग दोनों ही फ़ोन का सेम हम लोग कह सकते हैं। अभी बात करें डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पे इसके मोटो का फ़ोन थोड़ा कम वाइड है, थोड़ा चौड़ाई इसका कम है, इसके वजह से पर्सनली मुझे मोटो का फ़ोन ज़्यादा बेटर लग रहा है। अभी डिस्प्ले के बारे में बात करें, दोनों ही फ़ोन में आप लोगों को 120 हर्ट्ज़ का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन मोर ऑर लेस सेम है। रिफ्रेश रेट फास्ट होने के कारण दोनों ही फ़ोन, दोनों का डिस्प्ले स्मूथ लगता है, और देखते नीचे का बेजल्स भी दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर सा बेजल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी बात करें डिफरेंस के बारे में, तो यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस मिलता है रियलमी के अंदर में, जबकि मोटोरोला में 7020। अभी 7020 6100 प्लस से स्लाइड बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। तो दोनों का परफॉर्मेंस डे टू लाइफ में आप लोगों को ठीक ठाक मिल जाएंगे। बात करें यहाँ पे बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे मोटोरोला में आप लोगों को 6000 mAh बैटरी मिलता है, जबकि रियलमी में आप लोगों को देखने को मिलता है 5000 mAh का बैटरी। और देख सकते हैं यहाँ पे मोटोरोला का फ़ोन थोड़ा ज़्यादा वाइड है, और क्योंकि ये एकदम फ्लैट टाइप का है तो इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा मोटा है, लेकिन एक्चुअल में मोटोरोला का फ़ोन थोड़ा स्लाइट मोटा है। अभी बात करें कैमरेज के बारे में, तो यहाँ पे रियलमी में आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, बाकी एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मतलब यूजलेस कैमरा मिलता है। मोटोरोला में दो ही फंक्शनल कैमरा देखने को मिलता है। अभी जो फोटो क्वालिटी है वो तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मोटोरोला में जो है टूअर्स नेचुरल टाइप का फोटो कैप्चर करता है, और रियलमी में स्लाइड बूस्टेड कलर्स वाले फोटो कैप्चर होता है। अब डिटेल्स कौन सा बेटर है, कौन सा ओवरऑल बेटर फोटो कैप्चर करता है, वो तो साइड बाय साइड कंपेयर करने पे ही मिलेगा। उसका एक अलग वीडियो मैं सोच रहा हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। फिलहाल स्पेक्स देखेंगे तो पीछे का मोटोरोला विन करता है, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शनल कैमरा मिलता है। फ्रंट में मोटोरोला पे 16 मेगापिक्सल का है, जबकि रियलमी में आप लोगों को देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। यहाँ पे भी मोटोरोला विन करता है, लेकिन फोटो क्वालिटी कैप्चर करके टेस्ट करने के बाद ही
पता चलेगा। अभी यूआई के बारे में बात करें, मोटोरोला का क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड यूआई देखने को मिलता है। दोनों ही एंड्रॉयड 13 के ऊपर है, लेकिन रियलमी में बहुत सारे ब्लोटवेयर्स और कस्टम यूआई है, तो जो आपका प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप लोग जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है, बहुत सारे लोगों को फंक्शन वाले रियलमी का यूआई भी पसंद आ जाता है, तो ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर जाता है कौन सा आपको बेटर लगता है। तो ओवरऑल दोनों के अंदर बेटर बोला जाए तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये मोटोरोला का जो फ़ोन है थोड़ा सा एज लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल बेटर स्पेसिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे मोटोरोला विन करता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को OIS वाला कैमरा मिलता है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, साथ ही में जो प्रोसेसर है वो भी स्लाइट बेटर मिलता है। तो अगर आप लोग इन दोनों फोन्स में से सोच रहे हैं तो आप लोग मोटोरोला से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल बेटर स्पेसिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं फोन को चेक कर रहा था, बहुत सारे फीचर्स हैं मोटोरोला के, नॉर्मल फीचर्स तो है ही, जैसे ट्विस्ट टू ओपन कैमरा, चॉप चॉप टू यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन करना, ये सब फीचर्स तो है ही, लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। अलग से फीचर वीडियो आएगा, वो वीडियो भी आप लोग चेकआउट करना ना भूले। यहाँ पे सिक्योर फोल्डर है, मोटोरोला के फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो वो सब फीचर्स हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना ना भूले, साथ ही में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक